नमस्कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो यानि वृश्चिक राशि, मैं सुरेश गौर ट्रिपल एसेंडी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानि वृश्चिक राशि की लव रिलेशनशिप की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है एक्सेप्ट कर सकते हैं। 10 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक दूसरे की फीलिंग देखेंगे जो स्कॉर्पियो और उनके पर्सन हैं, और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन की, स्कॉर्पियो को लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, वो उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। जस्टिस, स्कॉर्पियो के जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग ली जाती है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है, तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है। तो ऐसा वो स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर रहे हैं, या फिर उनके पर्सन के लिए भी ऐसा वो महसूस कर सकते हैं, जो स्कॉर्पियो के पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांगकर एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है तो इस रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है, न्याय मिल सकता है, जो भी किले सिकवे हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। द चैरियट, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में जो वाद विवाद है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लड़ाई झगड़ा है, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है, इस लड़ाई झगड़े से बाहर निकला जाता है, बहुत हो चुका कि अब इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म कर देते हैं, और जितना भी इसमें एनर्जी एफर्ट लगाया जाएगा, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, और डिटरमिंड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ, हिम्मत नहीं हारते हुए आगे बढ़ते रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, एक इसमें बिगनिंग शुरुआत करेंगे, तो इस रिश्ते में उन्हें जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो चीज़ें इस रिश्ते में परेशानी दे रही थी, बाधाएं, दिक्कतें दे रही थी, वो किले सिकवे दूर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और न्यायप्रिय रिश्ता बन सकता है। तो वो ऐसा फील कर रहे हैं कि इन चीज़ों से बाहर आते हुए जो स्कॉर्पियो हैं उनको इस रिश्ते अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाहिए और इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना चाहिए। तो ऐसा वो स्कॉर्पियो के लिए महसूस कर सकते हैं, या फिर उनके पर्सन के लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो क्या महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, स्कॉर्पियो की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर। फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो महसूस कर रहे हैं कि जो स्कॉर्पियो हैं उन्हें चीज़ों ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या ओवर जो भी चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, चाहे वो सिचुएशन हो सकती है, जगह हो सकती है, लोग हो सकते हैं, रिश्ता नाता हो सकता है, उन जो भी चीज़ें बाधाएं दे रही हैं, उस ओवर कंट्रोल को, उन चीज़ों को जिनको उन्होंने चिपका कर रखा है, उन चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। जब तक वो रिलीज नहीं करेंगे, उन चीज़ों को समय के साथ, फ्लो के साथ बहने नहीं देंगे, तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा जब इन चीज़ों को वो छोड़ देंगे, इन चीज़ों से वो रिलीज करेंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो स्कॉर्पियो हैं वो अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि अगर उन्हें इस रिश्ते को खुशहाल बनाना है तो उन्हें सबसे पहले इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से बाहर निकलना होगा और सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयरिंग करनी पड़ेगी, फोकस बनाना पड़ेगा इस रिश्ते को प्रैक्टिकल करने के लिए, फोकस करने के लिए, खुशहाली लाने के लिए उन्हें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा।
हीलिंग मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर वो एक बिगिनिंग एक शुरुआत करेंगे तो जो ये इमैच्योर एनर्जी है, जो बच्चे की एनर्जी है, वो नहीं हो सकती है, या फिर एज डिफरेंस हो सकता है। तो इस एनर्जी के साथ अगर वो एक बिगिनिंग एक शुरुआत कर देते हैं और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हैं, सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें कर लेते हैं और एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं, तो ये चीज़ आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, एक अच्छा ये रिश्ता बन सकता है। जो जो भी परेशानी दुविधाएं इस रिश्ते में आई हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, यानी कि ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो और उनके पर्सन हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं। तो पहले देखते हैं कि स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन चाहते हैं कि जो भी स्कॉर्पियो को उनकी वजह से दुख परेशानी हुई है, तकलीफ हुआ है, पहले वो उन चीज़ों से उभरें। जो भी नेगेटिविटी इस रिश्ते में है, उस नेगेटिविटी को ख़त्म करें। जो जिस चीज़ को लेकर उनका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, वो हर्टेड हुए हैं, उन प्रॉब्लम्स को फेस करें और उनसे वो बाहर निकलें, तभी वो आगे के बारे में सोचें, क्योंकि अभी उनका इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो दुखी हैं, परेशान हैं, हर्टेड हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी वो इसके बारे में ना सोचें। क्लैरिफाई करते हैं इसको। सेवन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड फोर ऑफ कप्स। तो जो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, दुविधा में हैं वो, क्योंकि वो मैं उनको इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि सबसे पहले रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कंफ्यूजन से बाहर निकला जाए, क्योंकि इसमें एक तरफा वो सोच रहे हैं कि उनके पास वही, उनकी लाइफ में वही पर्सन वापस होना चाहिए जो उनकी लाइफ से जा चुका है, वो उसके लिए स्टक हो चुके हैं। सब कुछ उनको लग रहा है कि वो उनके बिना रह नहीं सकते, स्टक एनर्जी, वो रुका हुआ थंबा हुआ सा हर चीज़ महसूस कर रही है। और दूसरी तरफ उनको लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से वो एंजाइटी स्ट्रेस में है, उभर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए और नए रास्ते की तरफ, नई दिशा की तरफ उन्हें बढ़ना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर वो अभी कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है। तो वो अपने जो स्कॉर्पियो के पर्सन है, वो स्कॉर्पियो से चाहते हैं कि पहले वो रुक कर ठहर कर सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलें, कि उन्हें इस रिश्ते में वापस आना है या फिर इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए, इस अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए नए रास्ते की तरफ जाना है, या फिर क्योंकि इसमें ऑप्शन होते हुए भी वो जो स्कॉर्पियो के पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें वापस आना चाहिए, वो उसके लिए स्टक एनर्जी में है। ऑप्शन होते हुए भी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, वो उसी पर रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, लटके हुए हैं कि वही पर्सन उनकी लाइफ में वापस चाहिए। तो अभी वो कन्फ्यूज़न में है, दुविधा में है, कोई भी डिसीजन अभी वो लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनका दिल टूटा हुआ है, अभी वो उस परेशानी, उस दुविधा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखते हैं कि स्कॉर्पियो क्या चाहते हैं। तो इसलिए जो स्कॉर्पियो के पर्सन है, वो चाहते हैं कि पहले इस कन्फ्यूजन, दुविधा से बाहर निकलें और एक मन एक विचार बनाएं, जो भी कुछ करना है वो उसके बारे में बाद में सोचे। तो देख लेते हैं कि जो स्कॉर्पियो है, वो अपने पर्सन के बारे में, वो अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, या उनके उनके लिए क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, तो वो चाहते हैं कि अगर अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स भी उनका साथ देंगे। करेज, हिम्मत और साहस के साथ उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो हिम्मत दिखाएंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, तो यूनिवर्स भी
उनका साथ देंगे, उनको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। इसको क्लैरिफाई करते हैं स्ट्रेंथ को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो, जो आप स्कॉर्पियो आप चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें, और अगर वो सचमुच इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि उनके लिए रिश्ता कितना ज़रूरी है, और इसमें उन्हें वापस आने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, और इसका रास्ता उन्हें खुद बनाना पड़ेगा, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, थोड़ा सा स्पेस लें, थोड़ा सा टाइम लें, वक्त लें, हीलिंग मेडिटेशन करें, और अगर वो हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी, और इस रिश्ते में क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, क्लैरिटी लाएँ, खुलकर बातें करें, चाहे रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, लेकिन अगर रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, बिना डर के, बिना झिझक के, बिना हिचक के, अंदर का डर बाहर निकालते हुए अगर आगे बढ़ेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और वो हिम्मत के साथ, करेज के साथ आगे बढ़े, मुडरे नहीं, घबराए नहीं, और क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, चाहे किसी को भी इस चीज़ के लिए दुख तकलीफ हो, चाहे स्कॉर्पियो को हो या उनके पर्सन को हो, तो ऐसा वो उनसे चाहते हैं। देख लेते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। कन्फ्यूज़न से हो सकता है कि इस कन्फ्यूज़न से वो बाहर निकलने वाले हैं। इसका आउटकम जो बता रहा है कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर इसमें एक ऑप्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकला जा सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ कप्स। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में दुविधाएं आई हैं, जिस वजह से काफ़ी एंजाइटी स्ट्रेस में रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस को किया है, अलोनलीनेस दिखाई दे रही है इस रिश्ते में, तो अगर वो इसकी जगह देखेंगे कि अगर वो उन पीछे घूम कर देखेंगे, उनसे मदद मांगेंगे, तो उन्हें अब भी मदद मिल सकती है, अब भी प्यार मिल सकता है, अब भी ये रिश्ता फ्रूटफुल कामयाब हो सकता है। तो वो चाहत इसका आउटकम है जो बता रहा है कि अगर कन्फ्यूज़न दुविधा से बाहर निकाल कर कोई एक जना उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाने के बारे में सोच रहा है, अगर उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जाते हैं और इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर निकल जाते हैं, सोच विचार करके डिसीजन ले लेते हैं, और जो अकेलापन है उससे बाहर निकलते हुए अगर वो मदद लेंगे, हेल्प लेंगे, तो इस परेशानी, इस दुविधा से बाहर निकला जा सकता है, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत इस रिश्ते में हो सकती है। लेकिन उन्हें मदद लेनी पड़ेगी इसके लिए, और इस अकेलेपन से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर वो मदद नहीं लेंगे, इस कन्फ्यूज़न में रहेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करते रहेंगे, और समय रहते इसमें डिसीजन नहीं लेंगे, तो ये जो भ्रम जाल है, ये माया जाल है, उसमें वो फंस कर रह सकते हैं। तो इसका जो आउटकम है वो यही बता रहा है कि आप में से कोई एक जना उनकी तरफ लव ऑफर लेकर जा रहा है, और सोच विचार करके उन्होंने ये डिसीजन लेना तय किया है कि इस अकेलेपन से निकलने का उनके पास यही एक मार्ग है। इसका गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स।
यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप स्टक एनर्जी में हैं, रुका हुआ ठहरा हुआ सा सब कुछ महसूस कर रहे हैं, तो ऑप्शन होते हुए भी जिस ऑप्शन पर आप नहीं जा रहे हैं, तो आपको स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। और अगर एक ब्रांड, अगर आप एक बिगनिंग कर लेते हैं, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, दुख के बादल छट सकते हैं। और अगर कमिटमेंट वगैरह करेंगे तो ये रिश्ता आगे जाकर, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत हिम्मत है कि रिश्ता आगे जाकर विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, नेम और फेल हो फेम होगा, चेयरफुल ये रिश्ता होगा, सेन फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से ये इस रिश्ते में शादी हो सकती है, कमिटमेंट वगैरह हो सकता है, और जहाँ भी ये लोग रहेंगे समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी। तो इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से बाहर निकलिए, स्टक एनर्जी से बाहर निकलिए और इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे इसे तो ये रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा, और कमिटमेंट वगैरह अगर करते हैं तो ये रिश्ता आगे जाकर खुशियों में तब्दील हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि एक कमेंट्स वीडियो बनाने में काफ़ी मदद करता है, हेल्प करता है, मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाती रहूं और इसी तरह आपके सामने लाती रहूं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।